स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करेंगे और क्या क्या देखेंगे? जब स्टॉक्स में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो अभी समय यूपीएल का प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस क्या चल रहा है, 670 या फिर जो भी चल रहा है, अभी चार्ट ऑप्शन चेन ओपन करें तो वहीं से पता चल जाएगा। तो नॉर्मल अभी यूपीएल का प्राइस समझ लीजिए 670 या 680 के अराउंड में चल रहा है ना, आसपास में चल रहा है। अब ऑप्शंस में हम लोग कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 670 आपका इन द मनी, जितना येल्लो सेड है ये सारा हम लोग का क्या है, इन द मनी है। जितना आपका वाइट साइड है सारा क्या है, आउट द मनी है। और जो मिडिल में है वो क्या है, एट द मनी है, ठीक है। तो 680, 670, 660, 650, 640 इन द मनी में तो हम लोग कोई भी बाई कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टॉक्स में जब हम लोग बाई करते हैं तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि ये स्ट्राइक प्राइस में कौन सा स्ट्राइक प्राइस में लिक्विडिटी हाई है। अब लिक्विडिटी क्या होता है, जैसे हम लोग क्या कि यहाँ पे सब स्ट्राइक प्राइस हम लोग क्या कि ऐड कर ले, 670, 660, 650, 640 सब ऐड किया हुआ, वन बाई वन चार्ट हम लोग ओपन करेंगे। तो ये जब चार्ट ओपन कर रहे हैं तो इसका चार्ट का ग्राफ कैसा लग रहा है, बीच में गायब है, लिक्विडिटी कम है, इसमें भी वही हाल है, इसमें और बुरा हाल है, इसमें तो एकदम ही बुरा हाल है। तो लिक्विडिटी चेक करना कितना जरूरी समझ में आ रहा है, जिसमें लिक्विडिटी हाई है सब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यूपीएल 700 करते हैं, एकदम राउंड फिगर पे चलते हैं, राउंड फिगर पे लिक्विडिटी हमेशा से हाई मिलता है। तो मिल गया हाई, लिक्विडिटी हाई मिला, तो राउंड फिगर जब स्टॉक्स में लेते हैं राउंड फिगर पे लिक्विडिटी आपको हमेशा हाई मिलेगा। तो जब भी स्टॉक में ट्रेडिंग करेंगे तो सबसे पहला आपका काम क्या बनेगा कि लिक्विडिटी चेक करना चार्ट ओपन करके, है ना, वरना वहां मूवमेंट रहेगा और स्टॉक्स में मूवमेंट ही नहीं रहेगा। जैसे क्या हुआ था इसमें कोई मूवमेंट है नहीं, है ना, बर्बाद हो जाएंगे। उसी जगह पे राउंड फिगर में जब हम लोग देख रहे हैं तो मूवमेंट आ गया सेम। तो ऑप्शंस में क्या चेक करना है, लिक्विडिटी है या नहीं है। तो कभी भी ट्रेड लगाना है तो लिक्विडिटी चेक करना, निफ्टी बैंक निफ्टी में कभी दिक्कत नहीं आएगा, रिलायंस टीसीएस सब में दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन कोई ऐसा स्टॉक हो जो जिसमें ट्रेडिंग बहुत कम होता है तो ऐसे स्टॉक में आप हमेशा से चेक कीजिएगा कि लिक्विडिटी कौन से स्ट्राइक प्राइस में है, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। क्लियर है?